नमस्कार, मैं नीलम वर्मा आप सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई। मातृ दिवस पर मेरी एक कविता माँ को अच्छा लगेगा आपके लिए सुना रही हूँ। मातृ दिवस आया फिर एक बार, सबने हृदय से याद किया माँ का प्यार। कहीं माँ को सामने देख अंग अंग में भराई उमंग, कहीं लगा माँ बिन कितने फीके हो जाते हैं जीवन के सभी रंग। हम बचपन को छोड़ कुलाचे मारते हो जाते हैं युवा, और माँ जो बिना थके घूमती रहती थी पूरे घर में बनकर हवा, धीरे धीरे सिमट जाती है अपने ही किसी कोने में, निहारती रहती है हमारा आकर जाना और जाकर आना। हमारी धुआंधार जिंदगी को भी तो उसी कोने में होता है ऐसा एहसास कि आई हो जैसे चैन की श्वास। फिर अचानक माँ बिछड़ जाती है, सन रह जाते हैं हम और सबसे छिपकर फूट फूट कर रोते हैं। हाँ, ऐसे रुआंसे पल सभी की जिंदगी में होते हैं। मैं भी रोई थी ऐसे ही कई दिन कई रात, बार बार इच्छा हुई माँ मिल जाए बस एक बार, मुझे बाहों में भर ले बस एक बार। और फिर सहसा जागा एक नया आभास, मैं माँ को नहीं देख सकती क्योंकि अब माँ नहीं है। यही सत्य है, प्रमाणित सत्य, कठोर सत्य, और मुझे इसे स्वीकार करना ही है। पर क्या माँ भी मुझे नहीं देख पाती? क्या यह भी सत्य है, प्रमाणित सत्य? कोई प्रमाण नहीं है इसका, ना मेरे पास ना किसी और के पास। तो शायद वह मुझे देख पाती हो, यदि देखती होगी तो कैसे सहती होगी मेरी उन आंखों में आंसुओं की धार, जिन्हें उसने कभी न होने दिया था नम। वह तो देखना चाहती थी मुझे मुस्कुराते हुए हरदम। तो फिर क्यों ना उठकर पोंछ लूं यह आंसू, श्रृंगार करूं तन का मन का जीवन का, और धरूं हूबहू वैसा रूप जैसा चाहती थी माँ। माँ की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं, और आप भी। माँ को अच्छा लगेगा, है ना? धन्यवाद।